सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द वीडियो। तो स्वागत है आपका डेली जीके डोज में, मतलब 23 अक्टूबर के टॉप 5 जीके एमसीक्यूज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। तो अगर आपने कल का पेपर ठीक से पढ़ा है, खबरें ठीक से फॉलो अप करी हैं, तो सारे पांचों क्वेश्चन बन जाएंगे। और हाँ, वीडियो खत्म होने के बाद आपको अपने फीडबैक्स, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, जरूर देने हैं। और 5 में से स्कोर कितना रहा, आपने कितने क्वेश्चन सही करे बताइएगा। और हर सवाल के लिए हम लोग 20 सेकेंड लेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन, ये वीडियो थोड़ा नीचे कर लेते हैं। एक बात और फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो और सब वीडियोस नोटिफाई हो जाए आपके सिस्टम पर या मोबाइल पर। और टेलीग्राम पर भी हम हैं, काफी स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी करिए। एड्रेस ये रहा चैनल का t.me/concept_tree, या फिर आप बेसिकली टेलीग्राम के सर्च बटन पर जाके लिख दीजिएगा, या फिर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट ट्री भी लिख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं, तो भी चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे स्टूडेंट का एक डिस्कशन ग्रुप भी है, तो काफी यूजफुल रहेगा। ठीक है, पहला सवाल, 20 सेकंड रहेंगे आपके पास, ट्राई करिए। लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक, कल्चर या एनवायरमेंट फॉरेस्ट, आंसर करिए। जीके में फ्रेंड्स एक बात बहुत जरूरी है, नाम पे मत जाना कि लाइफ और मिनिएचर वर्ड हम किससे जोड़ सकते हैं, मिनिएचर मतलब स्मॉल साइज, किससे जोड़ सकते हैं। नहीं, टेक्निकलिटी या गेस वर्क पे मत जाना, क्योंकि उससे तो लग सकता है किसी और भी ऑप्शन पे आप मार्क कर दें। एनीवेज, राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, कई लोगों ने लाइफ वर्ड या मिनिएचर वर्ड सुनने, कोई शायद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट मार्क कर दिया हो या कोई और ऑप्शन, लॉजिक मत ढूंढिए, यहां पे एग्जैक्टली पता होना चाहिए जीके में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। The answer is Ministry of Culture. क्या है मैं बताऊंगा आपको, बहुत बेहतरीन और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। उससे पहले फोटो देख लीजिए, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री। अब देखिए, बहुत बढ़िया आर्टिकल है, मैं उसको बताता हूँ आपको, आप पूरी बात समझ जाएंगे। PIB से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट, इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली एंड गूगल आर्ट्स एंड कल्चर। तो न्यू दिल्ली में नेशनल म्यूजियम, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के बीच का जॉइंट कोलैबोरेशन है। अब यहां पे सेवरल हंड्रेड मिनिएचर पेंटिंग्स फ्रॉम नेशनल म्यूजियम कैन बी व्यूड ऑनलाइन बाय पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली जो भी क्या कहते हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स है म्यूजियम में, नेशनल म्यूजियम दिल्ली में, उसकी पेंटिंग्स अब ऑनलाइन लोग व्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये लॉन्चिंग का फोटो देख सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया था, तो बेसिकली रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, उसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे नहीं कि सिर्फ फोटो खींचे गैलरी लगा दी, नहीं, बहुत हाईटेक टूल्स इस्तेमाल करे जाएंगे, जैसे कि मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, डिजिटाइजेशन विद हाई डेफिनेशन रोबोटिक्स कैमरा, टू शोकेस दी स्पेशल वर्क्स ऑफ आर्ट इन अ मैजिकली न्यू वे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फोटो, बहुत ही हाईटेक तरीके से होगा और आप इसको व्यू कर सकते हैं गूगल आर्ट्स पे जाके। इसका पूरा वीडियो भी है फ्रेंड्स, ये पूरा वीडियो बना है, आप इसको देख सकते हैं, आधे घंटे का है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे तो इसको शो नहीं कर सकता। तो आप PIB में जाएंगे, ये उसी में एम्बेडेड वीडियो है, क्लिक करके देखिएगा, बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगी आपको। बाकी नेशनल म्यूजियम के बारे में बताया गया है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, और गूगल आर्ट्स के बारे में, इट कंप्राइजेज ऑफ कलेक्शन ऑफ मोर देन 2000 म्यूजियम एट वन फिंगर टिप। ठीक है, तो बहुत सारे दुनिया के और बहुत बेहतरीन म्यूजियम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इंडिया में भी अब नेशनल म्यूजियम जो है उसको इंक्लूड करा जा रहा है, तो बढ़िया चीजें हैं। नॉलेज एक चीज है, बट इसको विजिट भी करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी मेरे हिसाब से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर वन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्वालिफाई एज इंडियन नेवी पायलट? टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप, लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शिवांगी, या नन ऑफ दिस। यू हैव 15 सेकेंड्स मोर, आंसर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन नेवी में पायलट की बात हो रही है, फर्स्ट वुमेन, बस 4 मोर सेकेंड्स। ओके, एंड द आंसर इज लेफ्टिनेंट शिवांगी। ठीक है, वैसे तीनों इंडियन नेवी के पायलट्स हैं, बट फर्स्ट वन वाज लेफ्टिनेंट शिवांगी। फोटो देख लीजिए लेफ्टिनेंट शिवांगी का, सोर्स इज जी न्यूज। ठीक है, इसकी खबर मैं बता दूं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज,
इधर देखिएगा, ये नेवी ऑपरेशनलाइजेस फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन पायलट्स, ठीक है। तो द फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन पायलट्स ऑफ इंडियन नेवी हैव बीन ऑपरेशनलाइज्ड ऑन डॉनियर एयरक्राफ्ट बाय सदर्न नेवल कमांड एट कोची, ठीक है। वो तीनों पायलट्स वही हैं जिनके ऑप्शन में मैंने नाम दिए थे आपको। द फर्स्ट वन वॉज लेफ्टिनेंट शिवांगी। द थ्री वुमेन पायलट्स वर पार्ट ऑफ सिक्स पायलट्स ऑफ द 27th डॉनियर ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है, हु ग्रेजुएटेड एज फुली ऑपरेशनल मैरिटाइम रिकॉग्निशंस पायलट्स, और जो पासिंग आउट सेरेमनी थी दैट वॉज हेल्ड एट INS गरुड़ एट कोची, ठीक है। तीनों के नाम देख लीजिए, लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप एंड लेफ्टिनेंट शिवांगी। बट अमंग द थ्री लेफ्टिनेंट शिवांगी वॉज द फर्स्ट टू क्वालिफाई एज नेवल पायलट ऑन 2nd December 2019। एक बात और, इन्होंने तीनों ने एक बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग भी ली थी विद इंडियन एयरफोर्स, फिर ये डॉनियर ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग में आए थे, ठीक है। तो थोड़ा ट्रेनिंग एयरफोर्स में था, फिर नेवी वाले पार्ट की ट्रेनिंग थी, और अब तीनों यहाँ पे मतलब ऑफिशियली ऑपरेशनलाइज हो गए हैं और पासिंग आउट सेरेमनी हो चुकी है। फर्स्ट वन वॉज लेफ्टिनेंट शिवांगी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, तो ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर करिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। सो INS कवरत्ति, इट इज अ एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW स्टीथ कॉर्वेट। इट वॉज बिल्ड अंडर प्रोजेक्ट 28 कोमर्ता क्लास। इट हैज बीन डिजाइंड बाय डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन। आपको बताना है कि इसे कंस्ट्रक्ट किसने किया, सॉरी कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए द आंसर इज, टाइमर में कुछ प्रॉब्लम होगी, इट्स ओके, द आंसर इज दिस वन, ठीक है। GRSE कोलकाता, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता, सारे शिपयार्ड शिप बिल्डिंग यार्ड से वैसे, पर आंसर इसका है GRSE कोलकाता, ठीक है। एक जरूरी बात ध्यान रखिएगा, इसका फोटो मैं पहले दिखा दूं आपको, दिस इज द फोटो, ठीक है। तो ये है INS कवरत्ति, बेसिकली ये ASW होते हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के स्थित कॉर्वेट्स, तो ASW कॉर्वेट्स होते हैं, और इस कोमर्ता क्लास जिसको हम प्रोजेक्ट 28 बोलते हैं, इसमें चार एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स थे और चारों कमीशन हो चुके हैं, आखिरी यही वाला था INS कवरत्ति। नाम देख लो, पहले का नाम था कोमर्ता, कोमर्ता INS कोमर्ता, ठीक है, दूसरे का नाम था INS कडमात, तीसरे का नाम था कैपिटल स्मॉल से, नहीं मतलब नाम बता रहा हूं बस, ऐसा कुछ रूल नहीं है, तीसरा था हमारा किल्तन, किल्तन, और चौथा INS कवरत्ति। और अब ये चौथा वाला भी कमीशन हो चुका है, तो पूरी सीरीज यहां पूरी हो चुकी है। सो प्रोजेक्ट 28, और एक बात और, इंडिजिनसली हमारे देश में डिजाइन करे गए हैं, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन, ये नेवी के अंडर ही आता है, एंड कंस्ट्रक्टेड बाय GRSE कोलकाता। दोनों के नाम बहुत जरूरी होंगे, इंडिजिनसली बिल्ड है यहां पे, इंडिजिनसली डिजाइंड है यहां पे, और अब चारों कमीशन यहां पे हो चुके, चौथा वाला कवरत्ति जो था वो भी कमीशन हो चुका है, फोटो आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक लो कॉस्ट कोविड टेस्टिंग डिवाइस जिसका नाम है कोविरैप, इसे किसने डेवलप किया है, इन योर टाइम स्टार्ट। थोड़ा उस पर भी शायद टाइमर का कुछ एडजस्ट करेक्ट है। तो कोविरैप किसने डेवलप किया है, एक लो कॉस्ट कोविड टेस्टिंग डिवाइस है, ISC बैंगलोर, NIV पुणे, IIT दिल्ली या IIT खड़गपुर। NIV मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, आपको बताने किसने डेवलप किया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। एंड द राइट आंसर इज IIT खड़गपुर, ठीक है। ये एक देखिए, एज कंपेयर टू द RT-PCR टेस्ट, ये जो पूरा डिवाइस है एक बॉक्स की तरह होता है जिसमें किट होता है। अब RT-PCR टेस्ट जो मेन होता है उसकी मशीन 25 लाख की आती है, ये सिर्फ 5000 रुपीज की, तो बहुत लो कॉस्ट है, और एक किट जो होता है 500 रुपए का आता है, तो बहुत ही लो कॉस्ट में टेस्टिंग होती है। एज कंपेयर टू द मेन RT-PCR टेस्ट, एक्यूरेसी थोड़ी कम जरूर है पर बहुत ही लो कॉस्ट है, ठीक है। इसलिए बहुत बढ़िया ये डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे IIT खड़गपुर, कोविरैप, कॉस्टिंग बहुत कम है, ये किट की कॉस्ट है, एज कंपेयर टू RT-PCR वाली मशीन की कॉस्ट तो बहुत कम कीमत है। एक बात और, प्रोफेशनल चाहिए होते हैं RT-PCR मशीन को ऑपरेट करने के लिए, बट यहां पे रिलेटिवली लेस ट्रेनिंग से भी, मतलब बहुत ज्यादा हैवी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, तो भी इसको ऑपरेट करा जा सकता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है
बहुत हाई टेक ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, बड़े आराम से इसको ऑपरेट करा जा सकता है। तो ईज ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे है एंड कॉस्ट बहुत कम है। ठीक है, IIT खड़गपुर को भी ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, नेशनल जल जीवन मिशन एम्स टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री बाय विच ईयर? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इंपॉर्टेंट मिशन और स्कीम्स के ईयर बहुत जरूरी होते हैं आपको बताना। ये तो वैसे बहुत चर्चित और डिस्कशन में रहने वाली स्कीम है, प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री बाय विच ईयर। ईयर बताना है आपको। ऐसे क्वेश्चन वैसे पहले भी कई बार आ चुके हैं, तो आई प्रिज्यूम कि शायद पता होगा आपको ठीक से। ओके, द टाइम इज अप एंड द आंसर इज 2024। 2024 तक एवरी रूरल हाउस होल्ड शुड गेट टैप वाटर कनेक्शन, यही पर्पज है इसका। ईयर ध्यान रखना। और जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उनके मिनिस्टर का भी फोटो देख लीजिए, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जल शक्ति मिनिस्ट्री, जो इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री वाटर के लिए जो बनाई गई है उनके मिनिस्टर। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 5 क्वेश्चन। होपफुली कंटेंट पसंद आया होगा। 5 सवाल में से स्कोर कितना रहा जरूर बताइएगा और फीडबैक्स जरूर दीजिएगा। ओके, चलिए अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपकी। थैंक यू, हैव अ नाइस।